स्टूडेंट्स वी आर रीडिंग अबाउट सिक्स क्लास ज्योग्राफी थर्ड चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ। इस लेसन के हमें क्वेश्चन आंसर जी तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर जी तक। अब हम क्वेश्चन नंबर टू पर टिक द करेक्ट इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, सन के अराउंड अर्थ का मूवमेंट किस नाम से जाना जाता है, रोटेशन, रिवोल्यूशन या इंक्लिनेशन। तो ये है रिवोल्यूशन, पृथ्वी सन के चारों जो रोटेट करती है इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर बी, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर तो इक्वेटर पर जो मिडिल में होता है इस पर डायरेक्ट सन की रेज कब गिरती है, एकदम सीधी किस समय गिरती है, 21 मार्च, 21 मार्च, 21 जून एंड 22 दिसंबर। ये है 21 मार्च, 21 मार्च को ये स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर सी है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। समर में क्रिसमस कहां मनाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू साइकिल, ऋतुएं क्यों, किसके कारण से बनती है, ऋतुओं का ये बनना किससे होता है, ऋतुओं का बनना होता है हमारी अर्थ के रोटेशन से एंड रिवोल्यूशन से। तो सीजन्स तो रिवोल्यूशन से होते हैं और दिन रात रोटेशन से होते हैं, तो ये इसका होगा रिवोल्यूशन। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए, ए लीप ईयर हैज नंबर ऑफ डेज। लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 366। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, डेली मोशन होता है रोटेशन, क्या होता है रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन ए फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। किस तरह के एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये इस तरह का जो अंडाकार पथ होता है इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। हमारी अर्थ इस तरह के ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर सी हो गया, ये फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट में। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ ऑन 21st जून। 21st जून में किस पर वर्टिकली गिरती है सन की रेज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, शॉर्ट डेज होते हैं आपको पता है ये विंटर में होते हैं, विंटर, विंटर सीजन में डेज आर शॉर्टर। सो स्टूडेंट नोट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक।